सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल निशान दिस साइड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो देखिए, बहुत दिनों बाद एक फुल वीडियो आ रही है जिसमें मैं पुणे यूनिवर्सिटी में डिग्री कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए बताऊंगा प्रोसेस क्या होता है। सो अभी देखिए, यहाँ पे डिग्री वाले ऑप्शन में जाके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलर पे क्लिक करना है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको। देन अप्लाई फॉर 125 रेगुलर कन्वेंशन पे क्लिक करना है हमको। ब्लू कलर का जो ब्लिंक हो रहा है उस लिंक पे क्लिक करना है। देन ये कुछ इंस्ट्रक्शंस खुल जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही है कि क्या इंस्ट्रक्शन होती है। इसको टिक करेंगे हम नीचे। एक बार टिक करने के बाद अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर अप्लाई करेंगे हम। देन यहाँ पर आपको ईयर आएगा ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि लॉगिन अगर आप कर चुके हैं तो ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा। तो PRN नंबर आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप का होता है वो नंबर है ये। देन उसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। देन ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा पूरा, कि आपने इसमें क्या क्या डिटेल भरनी है। तो एक बार इसको एडिट कर लेंगे ऑप्शन, एडिट पे क्लिक करके, ताकि सब कुछ एडिटेबल हो जाए। वैसे कुछ कुछ चीज़ें नहीं एडिट कर सकते विदाउट उसको क्लिक किए हुए। तो यहाँ पे देखिए, नाम हमारा जो कि हिंदी में भी लिखना है और मराठी में लिखना है, बट हिंदी में भी सेम ही नाम आता है। उसके बाद मदर का नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी भरनी है। यहाँ पे देखिए, सब नाम लिखना है हमें, स्टेट भरना है, कहाँ पे आपको अपनी डिग्री डिलीवर करवानी है। देन ये मैंने स्टेट फिल कर लिया है। उसके बाद स्टेट के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे आपका पिन कोड है, तालुका है, सब डिवीज़न, लाइक सब डिवीज़न बोल सकते हैं उसको। उसके बाद अपना यहाँ पे आपको भरना है ये आपका फुल एड्रेस। सो यहाँ पे हम अपना फुल एड्रेस भर देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल भर के, उसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे चेंज कॉलेज कर पे क्लिक करेंगे, तो ब्लू कलर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पिन कोड है, किसी को याद नहीं होता है। तो ये कॉलेज सेलेक्ट करना है, इसमें फिर सर्च करना है। जैसे कि मेरा राजीव बिजनेस स्कूल था, तो मैंने सर्च कर लिया इसमें ऊपर से। सो अब सर्च करने के बाद इसमें हमें अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया है कॉलेज, ओके करना है इसको। और यहाँ पे आपका पुन कोड सारा कुछ आ जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर जो भी है। देन यहाँ पे नीचे आके हमें अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है कि ऑटोनोमस है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे मेरा भी ऑटोनोमस नहीं है, तो नो करना है इसमें। आपका आप चेक कर सकते हो गूगल पे। देन उसके बाद फैकल्टी सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट था तो मैनेजमेंट फैकल्टी है MBA में। उसके बाद मैनेजमेंट फैकल्टी हमने चूज़ कर लिया है यहाँ पे। देन उसके बाद हमें कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, तो मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट था, क्योंकि यहाँ पे MBA मार्केटिंग भी है, MBA सिंपल MBA भी है, तो हमें अपना स्पेशलाइजेशन भी सेलेक्ट करना है, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये स्पेसिफिक होता है, तो एक बार इसको आप देख लेना ध्यान से अपने स्पेशलाइजेशन में और डिग्री में भी। तो ये करने के बाद अब हमें यहाँ पे अपना एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करना है कि कब एग्ज़ाम्स हुए थे। तो ये अप्रैल का सेशन है, तो इसमें अप्रैल सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट जिस दिन आया है उस दिन भी हमें सेलेक्ट करना है, तो इसीलिए ये थोड़ा इशू है। तो ये हमने सेशन अप्रैल का सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, तो अप्रैल सेशन। उसके बाद यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है, ओके दबाना है। उसके बाद ये आपका सबमिट हो गया है यहाँ पे। इसको क्लोज़ करके अब आपको फ़ाइल चूज़ करनी है, कि आपको आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट का PDF आया होगा, तो उसको आपको रिज़ल्ट के PDF को अपलोड करना है यहाँ पे। तो अपलोड करना है, तो उसके लिए देखिए, अब अपना PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF डाउनलोड करके और इसको अपलोडिंग पे कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। देन ये क्लोज़ करना है,
उसके बाद ये आपका रिव्यू फॉर्म आ जाएगा जिसमें सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से सारा चेक करने के बाद देखो सारी चीज़ें चेक हो गई, अब प्रोसीड टू पे में चले जाने, क्योंकि 385 रुपीज़ इसमें हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप पे कर सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ई बस है, ईजी बस, CCAvenue, तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, इस पर क्रेडिट कार्ड, UPI सब आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये प्रोसीड टू पे में गए हैं नीचे, तो कुछ ऑप्शंस हैं कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI, भारत QR, ये सब कुछ है। तो मैं कार्ड यूज़ करूँगा इसमें अपन, तो कार्ड नंबर मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने कार्ड वार्ड डिटेल फिल कर दिया, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, देन ये थोड़ा देर घूमेगा और थोड़ा ये इश्यूज आ रहा है, मेरा तो इशू आ गया था, तो समथिंग वेंट रॉन्ग है, बट कोई नहीं। एक बार पेमेंट अवेटेड आ रहा है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट इसके बाद मेरा पेमेंट दोबारा से मैंने किया था तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो इसके बाद आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैंने डाउनलोड कर लिया था अपना PDF, मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है। देन उसके बाद ये कुछ ऐसा PDF आएगा, अब एक बार देख लेना। सो यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, क्योंकि वो तो सबको नोन है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, बट एक बार मैंने हिंदी में बता दिया क्योंकि सब मराठी में ही, मराठी लैंग्वेज में ही सारा कुछ अवेलेबल था YouTube पे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार हिंदी में भी इसकी वीडियो